प्रणाम बाबा। प्रतिबद्ध हूँ। जी हाँ, मैं प्रतिबद्ध हूँ बहुजन समाज की अनुपल प्रगति के निमित्त, संकुचित स्व की आपाधापी के निषेधार्थ, अविवेकी भीड़ की भेड़िया धसान के खिलाफ, अंधवधिर व्यक्तियों को सही राह बतलाने के लिए, अपने आप को भी व्यामोह से बारंबार उबारने की खातिर प्रतिबद्ध हूँ। जी हाँ, शतधा प्रतिबद्ध हूँ। 20वीं सदी की हिंदी कविता में नागार्जुन एक युग का नाम है। अपने रचनाकार जीवन में अब तक नागार्जुन लगभग 6 दशकों की काव्य यात्रा तय कर चुके हैं। नागार्जुन जी की यह यात्रा एक सार्थक और सोद्देश्य यात्रा रही है। इस यात्रा का पथ ज़रूर ऊबड़ खाबड़ और बाधाओं विपदाओं से भरा रहा है, किंतु इस पथ पर चलते हुए नागार्जुन जी ने जो उपलब्धियां की हैं वे निश्चय ही महत्वपूर्ण हैं। कला के स्तर पर भी और उस जिंदगी के स्तर पर भी जिसे मनुष्य के हित में सजाने संवारने में ही कला की चरितार्थता है। संस्कृत, मैथिली और हिंदी की समृद्ध काव्य परंपरा को आत्मसात कर ये काव्य की ज़मीन पर आए हैं। हिंदी के साथ ही साथ संस्कृत, बंगला और मैथिली में आपने समान अधिकार से रचनाएं की हैं जो इस काव्य भाषा मर्मज्ञों द्वारा मुक्त कंठ से सराही गई हैं। हमारा सौभाग्य है कि बाबा हमारे महानगर कलकत्ता में पधारे हैं और हमें यह सौभाग्य मिला है कि हम आपसे बातचीत कर सकें। बाबा, आपसे पहला सवाल मैं ये करना चाहूँगी कि आपकी ख्याति कवि और उपन्यासकार दोनों ही रूपों में समान है और दोनों ही विधाओं पर आपका समान अधिकार है, लेकिन आपकी प्रिय विधा कौन सी है? तो हमने ये काव्य विधा जो है आपकी प्रिय विधा है मैंने, लेकिन ये है कि प्रिय विधा क्यों है? हाँ, क्यों है ये एक सवाल है। प्रिय विधा क्यों है? क्योंकि काव्य जो है हमारे मूड को सही सही प्रतिफलित करता है, इसलिए वो प्रिय होता है। तो आपको जब कविता प्रिय है, काव्य की विधा प्रिय है, तो फिर क्या कारण है कि आप कथा लेखन में आए और वो कौन सी मजबूरी थी जिस कारण आप आए कथा लेखन में? कथा लेखन का आधार जो है गद्य लेखन है और गद्य लेखन जो है तो प्रकाशन की सुविधा के लिहाज से प्रकाशकों से गद्य को आधार बना के प्रकाशकों से बातें करते हैं, हम पेमेंट लेते हैं उनसे। कविता के सहारे हम दूध वाले को उसका महीने भर का पैसा नहीं दे सकते। अच्छा, तो कविता जस देता है, आनंद देता है, लेकिन सही समय पर पैसे उससे नहीं मिलते हैं। ये चीज़ है, बुढ़ापे में हमें पुरस्कार मिले हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से, वो दूसरी बात है, लेकिन यह है कि सहाय रूप से अगर 5 कविताएँ लिख करके किसी से 5 रुपये लेने जाए तो नहीं दे। सच, ये तो विडंबना है ही। हाँ। अच्छा, आपके बारे में कुछ आलोचक कहते हैं कि कविता में नागार्जुन विरोधाभास को जन्म देते हैं, लेकिन उपन्यास में नागार्जुन एक विशेष विचार दर्शन के प्रति प्रतिबद्ध हैं। आपके इस बारे में क्या विचार है? विशेष विचार जिसको आलोचक कहते हैं तो हम उसको अलग से नहीं लेते हैं, हम तो सही रूप में लेते हैं उनको कि सही तौर पर, यानी सही तौर पर सही समस्या को आसानी से अगर हम प्रकट करें तो हमें उससे तृप्ति होती है। हमारे उपन्यासों में 2-3 उपन्यास मुझे बहुत प्रिय हैं। एक वरुण के बेटे हैं और दूसरा है कि उग्रतारा है। तो हर उपन्यास जो है अलग अलग कारणों से लिखे गए हैं और उनके पीछे अलग अलग कहानी है। तो इस तरह से हमें, हम पिछले लगभग मैंने ये 60 के बाद हमने उपन्यास लिखा ही नहीं। हाँ, लिखा नहीं, एक लंबे समय से। हाँ, लंबे समय। और अब आनंद आता है कि हम विभिन्न भाषाओं के उपन्यास पढ़ते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं तो पढ़वा के सुनते हैं। अच्छा। वो रेंज हमको बहुत आनंद देता है। तो ये है। बाबा, हाँ। आपका काव्य वैविध्यपूर्ण है, जैसे आपकी क्लासिक रचनाएं भी हैं, जैसे कालिदास कविता है, उसमें आप पूछते हैं कालिदास से, कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक में आज रोया था या तुम रोए थे। इसी तरह आपकी प्रेम और सौंदर्य से संबंधित रचनाएं जो सचमुच हिंदी साहित्य में दुर्लभ हैं, जैसे कर गई चाक तिमिर का सीना ज्योति की फांक वो तुम थी, या आओ पास पास बैठें भाई का प्यार बहन की ममता मित्र का नेह छू, आओ आज सब कुछ तुम पर उड़े। और इसके साथ ही साथ आपकी वो तात्कालिक प्रचारात्मक एक तरह से कहा जाए वो रचनाएं हैं। तो आपकी मूल वृत्ति किन में है, इन क्लासिक और प्रेम सौंदर्य से संबंधित रचनाएं? ऐसा है कि जैसे हम दैनिक जीवन में देखते हैं कि हम निरंतर 24 घंटे एक मूड में नहीं रहते हैं, हमारा मूड बदलता होता है। तो ये काव्य शिल्प जो है वो भी जीवन की विधा की तरह से अलग अलग मूड को प्रतिफलित करती है काव्य विधा। इसलिए हमको अस्वाभाविक नहीं लगता है। और मतलब कल्पना करो कि हम भक्त कभी होते और किसी एक देवता की भक्ति में हम वो करते तो वही उसी तरफ जा रहे। तो अब ये है कि लेकिन हाँ एक बात है कि काव्य रचना के समय में हम गद्य को पास नहीं फटकने देते, और जब गद्य रचना में लीन होते हैं तो हम कविता की पंक्तियों को अवॉइड करते हैं। बहुत जोर से जो कविता पंक्ति दिमाग में घूमती है तो अलग नोट करके रख देते हैं। ये है, तो उसका हम एक व्यतिरेक मानते हैं, उसको इससे अच्छा है। और अभी कभी कभी मन होता है कि हम जाकर खुद कविताएँ सुनाएँ। उसको बताया हमने सुशील गुप्ता को कि भाई हमारी इच्छा होती है कि मैं शिक्षायतन में जा करके लड़कियों अध्यापिकाओं को सुनाऊँ कविताएँ। तो आज अभी आप अपनी कोई प्रिय कविता सुनाइए। अभी तो हमको याद नहीं है, हम तो सहारा ने देखना पड़ेगा। उसमें अभी हमारी इच्छा होती है कि तो अब ये है कि किताबें तो है आप ले आई हो, लेकिन अब ये है कि इसमें अगर हम एक है कि काव्य जो है अगर हम सिर झुका के पढ़ते रहें तो वो पाठकों को श्रोताओं को दर्शकों को आनंद नहीं देता है। वो थोड़ा ही चाहिए, वो उसका सेवन ही किया जाएगा। हम बोर करेंगे दूसरों को अगर लंबी रचना हम पढ़ना शुरू करें। आपकी एक छोटी रचना है ना अकाल पर, जो बहुत प्रसिद्ध रचना है। हाँ। आप यदि वो सुनाएं तो। हाँ। अकाल वाली रचना बहुत प्रसिद्ध है, बहुत जगह बहुत पसंद की गई है, अनुवाद भी हुए हैं कई भाषाओं में इसके। तो अब अकाल मने क्यों होता है, कहते हैं भाई जो वस्तु अप्राप्य हो वो अकाल होता है। जैसे माचिस कहें कि आजकल माचिस गायब हो गई है, माचिस का अकाल हो गया है इत्यादि है, बुद्धि का अकाल हो गया है, बुद्धि कमी हो गई इत्यादि। तो ये जो है अकाल है, सबसे बड़ा अकाल अन्न संकट है। अन्न संकट जो है सबसे बड़ा अकाल है। वो अन्न संकट का चित्र है इसमें। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीड़ पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। और राहत पहुँचे, कभी ने नहीं बताया कि राहत कैसे पहुँची, किस कमेटी की वजह से। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों बाद। और चमक उठी कई दिनों के बाद, कौए ने खुजलाई पाँखें कई दिनों के बाद। ये है, तो ये जो है अगर बताया जाए कि 1953 की 53 की रचना है, लेकिन आज भी सत्य है उसे, तो अकाल की परिस्थितियाँ आती रहती हैं देश में। ये अच्छा बाबा, ऐसा सुना है कि आप बौद्ध भिक्षु भी बने और कई सालों तक घर से बाहर रहे और फिर वापस लौट कर आए। तो वो कौन सी मानसिकता थी जिस कारण आप बौद्ध भिक्षु बने, और फिर वो कौन सा सूत्र था जिसके कारण आप वापस घर परिवार से जुड़े? ऐसा हुआ, हमारे पिता पर आक्रोश था कई कारण से, अच्छा। माँ 4 साल का था, 4 वर्ष का, तो माँ का देहांत हो गया, तो माँ का स्नेह मिला नहीं था और महिला विहीन परिवार में पालन पोषण हुआ। ये बहुत बड़ा तथ्य है। इसलिए लड़कियों, बालिकाओं, तरुणियों, युवतों, युवतियों, प्रौढ़ाओं, वृद्धाओं के प्रति हमारे मन में एक अलग ढंग की एक कोमलता नजर आती है। कई तरह की कविताएँ हैं इसे है, अभी मौका नहीं है सर, लेकिन यह है कि इस तरह से। और वृद्धों के प्रति हमारे मन में कोई विराग तो नहीं है, लेकिन हम अपने को तरुणों में, ये कम उम्र के लोगों में, बालकों में हम अपने को मिक्स करते हुए प्रसन्न होते हैं। और हमको लगता है कि हमें एक जगह आता है कि हम लेटे हुए हैं, तो हमारी पोती दाढ़ी सहला कर भाग गई, तो हमको लगा क्या बात है, तो हमको ये अंतर्राष्ट्रीय शिशु वर्ष का प्रथम दिन था। अच्छा 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 बाबा, उन दिनों की कुछ स्मृतियाँ यदि आप सुनाएं, जैसे आप कलकत्ता में भी रहे हैं। एक बात हमको याद आती है, हम संबलपुर गए उधर उड़ीसा, तो 73 की बात है, तो ये स्टेशन पर देखा कि आदिवासी लड़कियाँ कुली का काम कर रही हैं। तो एक जो है सरदार जी बहुत सारा बक्स वगैरह उसके सूटकेस लदवा कर ले गए और कम पेमेंट करना चाहे, तो उसने, वो आदिवासी लड़की ने उनका कॉलर पकड़ा, कहा कि जनाना बोल के कम देता है, तेरा पकड़ फकड़ मैं सब फेंक दूंगी। तो वो जट गई और 4 आदमी इकट्ठे हो गए। उसने कहा सरदार जी जो कहती है ये देना पड़ेगा। कहा इतना नहीं, हमारा वक्त बर्बाद किया, इसको 1 रुपया और ज़्यादा देना पड़ेगा। तो उसने लिया। ये है दिव्य रूप, ये महिला का ये दिव्य रूप, मैंने ये जो है ये एक सहज, मैंने एक सार्थक जो विरोध प्रदर्शन का एक रूप जो है, हमको ये लगा कई रूप है। तो इसलिए हमको लगता है दुर्गा के 10 हाथ हैं, क्योंकि 2 हाथ काफ़ी नहीं होते हैं। अगर मान लो बड़ा काम कर रही है तो उसी वक्त में सब्जी जल रही है, तो जा कर के उसको लगेगा 1 हाथ और हम सब्जी भी ठीक उतारते, फिर कोई आ गया तो तमाचा भी लगाते। 10 हाथ वो सार्थक है, 10 हाथ काली, काली के 4 हाथ। तो काली जो है आदिवासी देवता में मानते हैं। आपने कविता में लिखा है ना एक जगह कि काली तुम और कितना खून पियोगी। हाँ, ये काली दिखाने की, काली जो है तुम जो खून तो गरीबों का पीती हो, लेकिन तुम अपनी खुशी का अवसर प्रसाद जो है, तुम वरदान जो है धनिकों को देती हो। तो हमने लिखा कि काली को ये जो कहा हमने, तो काली माई नाराज हो गई, इसीलिए मैं 5 साल पर आया हूँ। अच्छा 5 साल पर आप कलकत्ता आए हैं। कलकत्ते की कुछ स्मृतियाँ, पुरानी स्मृतियाँ। कलकत्ते में तो कविताएं हमने लिखी हैं जो मुझे अभी याद नहीं है। चौरंगी को लेकर के, ट्राम को लेकर। हाँ अच्छा, ट्राम वाली कविता जो है, ट्राम की कविता है। अच्छा बाबा, आप तो निराला जी के भी निकट संपर्क में रहे और राहुल सांकृत्यायन के भी निकट संपर्क में रहे, तो उनकी कुछ स्मृतियाँ यदि आप हम लोगों को सुनाएं। निराला जी के बारे में 2-3 बातें याद आती हैं कि निराला जी जब मूड में आते थे तो अपनी जो गाँव देहात की बोली है बैसबाड़ी, उधर के लखनऊ के इर्द-गिर्द, रायबरेली के इर्द-गिर्द, उस भाषा में वो गालियाँ बकने लगते थे। जैसे किसी को गुस्से में गाली दे रहा हूँ, तो वो सब था। और खाने का बहुत शौक था उनको, खुद खाना बनाते थे, तो ये सब है। और सांकृत्यायन जी, राहुल सांकृत्यायन जी तो उनमें अंत में 3 वर्ष उनके संज्ञा लुप्त हो गई थी, लेकिन जीवन बहुत ही वैविध्यपूर्ण था और कई प्रयोग ने जीवन किए, बहुत बड़े विद्वान थे, ये सब था। आपके साथ के कुछ अनुभव उनके साथ के? हाँ, सत्यनारायण कुटीर साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद में ऊपर थे, तो कुछ पंडित आए मिलने के लिए और भोजपुरी में पूछा कि बाबा देश के हालत कब सुधरी, कब हुई का हुई बतावल जाए। रावण जी उनको पकड़ के छत पर ले गए। देखा कि दूर में लाइन के किनारे लोग नंगे होकर के पाखाना कर रहे थे। कहा गए देखा था नहीं कौगो बात गिल नहीं एक दो तीन जाए। कहा जब तक तो देश की ये हाल रही तब तक तो देश की हालत न सुधरी। अच्छा बाबा, आपने कविताओं में कुछ प्रयोग किए हैं, जैसे आपकी मंत्र कविता है ओम शब्द शब्द शब्द, या ओम प्रणव ओम नाद ओम मुद्राएं ओम वक्तव्य ओम उद्गार ओम भाषण, तो ओम धरती या ओम इसी पेट के अंदर समा जाए सर्वहारा। ये कविता, इस तरह की कविता लिखने के पीछे आपका क्या उद्देश्य रहा? ये निश्चित है कि कविता जो है सामान्य तौर पर नहीं लिखी जा सकती, इसके लिए बहुत परंपरा चाहिए। उसको मंत्र का अंदाज हो, सर्वहारा की भी समझदारी हो, तो इस तरह से हमको लगता है कि ये बहुत ही विलक्षण कविता है। और ये तो प्रयोगवादियों की जो कविताएं हैं उनको लगता है कभी 100 सुनार की एक द्वार की, तो वो प्रति हमको आनंद आता है ये। अच्छा, कलकत्ते से तो आप हमेशा जुड़े रहे हैं और अपनी रचनाओं में भी आपने बताया भी कि कलकत्ते की जटिलताओं का आपने उल्लेख किया है। कलकत्ता शीर्ष रचनाकारों की कर्मस्थली रही है और वर्तमान समय में कलकत्ता महानगर की हिंदी रचनाशीलता के बारे में या साहित्य के माहौल के बारे में आप बताइए। अब ये है कि हमको इस बात का कर्ज है कि यहाँ के जो हिंदी रचनाशीलता से जुड़े हुए बंधु हैं, युवक हैं, तो वो बंगला भाषा के प्रति उस तरह से उनकी निष्ठा नहीं दिखाई पड़ती। मतलब बंगला में जो प्रयोग हो रहे हैं साहित्य के तौर पर, गद्य में पद्य में, उसके तरफ से कानी निगाह है या उपेक्षा के भाव है, तो ये हमको अच्छा नहीं लगता है। ये लगता है कि इतना बड़ा विशाल नदी है, उसमें एक चुल्लू दो चुल्लू टूटी फूटी बंगाली भाषा में बोलना दूसरी बात है, होटल में खा लेना दूसरी बात है, लेकिन दिखे कि बंगला में वो नए कवियों गोष्ठियों में वो बंगाल के कवियों को ले आए, खुद भी उनसे मिले जुले, उनके परिवार मिले जुले, उनके कटे, ये हमको लगता है। तो हमको लगता है कभी कभी मुझे यहाँ साल में 6 महीना लगा, इसलिए उस जुड़ाव के लिए, तो उसलिए हमको लगता है कि बंगला यानी कुछ लोग हैं दूसरी भाषाओं के जो होते हुए भी जिन्होंने बंगला सीखी है, बंगला में लेख भी लिखते हैं, वो बोमना विश्वनाथन है, ये सब है। तो इस तरह से हमको लगता है कि कुछ यहाँ हम एक सौहार्द समझ की भावना हम जोड़ें, तो एक इसे अपनी गोष्ठियों में बंगाली कवियों को, तरुण गोष्ठियों में तरुण बंगाली कवियों को, महिला कवियों को ऐसा बुलाएं, तो एक भावात्मक। अच्छा बाबा, जैसे अब जैसे तुम वो किसी एक महाविद्यालय में पढ़ाती हो, कॉलेज में, तुम्हारे बंगला बोलने वाली या बोलने वाले बहुत से छात्र भी होंगे तुम्हारे, अध्यापिकाएं होंगी, प्रोफेसर्स होंगे, तो उनसे तुम्हारा संपर्क है, उनके परिवारों में मिलना खाली संपर्क, मैंने कॉलेज तक ही सीमित नहीं, उनके जीवन में ऐसे। तो ये मैं इसको इसीलिए मैंने कहा तुम अपना पता दो, तो हम खोजते हैं, हम कहते हैं ये आखिर क्या है। हम बच्चों से, उन बच्चों से बंगाल के परिवारों के बच्चों से मिलते हैं, मिलना चाहें, ये अच्छा लगता है। इसीलिए मैंने कहा सातत्य जो है, सद्भावना जो है, वो बहुत बड़ी चीज़ है, उससे हम दिल का जोड़ना होता है। हाँ। अच्छा बाबा, आपको जैसे एक ज़माना था कि कलकत्ते से जैसे हर्षनाथ जी प्रेमचंद की हंस पत्रिका में छपे, तो वो जो ऊर्जास्विता है, वो जो किरण है, वो अभी के रचनाकारों में, युवा रचनाकारों में कलकत्ते के आपको दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती, बहुत कम दिखाई देती। अब ये है कि हमको लगता है कि पत्रिका यहाँ निकलती है, ये महिलाओं की अपूर्वा नाम की पत्रिका है, उसमें कुछ कविताएं पढ़ी हमने, ये सुशील गुप्ता की कविता पढ़ी, ये हुआ, तो हमको लगता है कि अच्छा प्रयोग कर रहा है। तो ये माने महिला रचनाकार आपको बहुत अच्छे लगे। बंगाल में रह करके हिंदी लिखने वाली लड़कियां जो संजोग से अपूर्वा में छपती हैं और उनका तो हमको लगता है ये अच्छा प्रयोग हो रहा है। अच्छा, अब हमने सुना कि बंगाल में लोग नए तरुण पीढ़ी है उनमें हिंदी के प्रति वो विरोध नहीं है जो पहले। अच्छा, एक ज़माना था जबकि हिंदी के लोग बंगला के बहुत सारे उपन्यासों का अनुवाद करते थे, कविताओं का। अब वो नहीं होता है क्योंकि सारा केंद्र जो है दिल्ली हो गया है, इससे भी नुकसान है। दूसरा कि ये महंगाई इतनी बढ़ गई है, जीवन का संघर्ष इतना कठिन हो गया, समय नहीं मिलता, समय नहीं, ये मुख्य बात है। अच्छा बाबा, प्रगतिशील विचारधारा को लेकर कई लेखन संगठन चले हैं और चल भी रहे हैं, तो और सभी लेखन संगठन आपके प्रति समान श्रद्धा और सम्मान रखते हैं। तो प्रगतिशील लेखक संघ, जनवादी लेखक संघ और जन संस्कृति मंच, इनके बारे में आपके क्या विचार? इस तरह ये खेमों में जो ये लेखन संगठन, लेखक बटे हुए हैं, क्या ये सार्थक? हमने तो कई व्यंग्य कविताएं लिखी हैं, उन सबका अलग अलग करके दिखाएं, अब ये मौका नहीं है दिखे हुए। अच्छा, तो क्या है कि ये अब ये है कि हम तो आपको लगता है हम सबके प्रति देखें, यानी सबको हम आशीर्वाद भी देने की स्थिति में हैं, लेकिन सबको हम कान भी पकड़ने की स्थिति में हैं। हाँ, ये तो है। एक बात और, हिंदी में लेखन भी बहुत हो रहा है, छप भी बहुत छप रहा है, लेकिन जो कुछ छप रहा है वो आम जनता तक संप्रेषणीय है? जैसे पहले प्रेमचंद लिखते थे या बंकिम या शरत, तो आम जनता क्या है इसको सीधे सीधे समझ लेती थी। अभी का साहित्य तो आम जनता शब्द जो है उसको अलग अलग ढंग से देखना पड़ेगा। आम जनता किसकी, आम जनता किसकी निगाह में क्या है? जैसे मैंने बंगला के कवियों से भी कहता हूँ, आपकी आम जनता ग्रामीण गंजे था कि वो दिखे देखो, गाँव देहात में रहते हैं, वहाँ नहीं जाते हैं घुस करके। ये कलकत्ता जो है, तो उसी कलकत्ता के अलावा वो जो समझो बर्धमान या इधर और छोड़ो नैहाटी काचरा पाड़ा जो है, वहाँ पर मजदूरों की बस्ती है। तो बंगाली टेक्नीशियन या प्रेसमैन वो हिंदी मजदूरों से मिलकर रहता है, तो उस पर नहीं भी देखते हैं उसे। तो ये है, मेरा मतलब है कि ग्रामगंज ये आस पास है, तो सीमित बंगला कभी भी अपने को सीमित रखते हैं। अच्छा। वो खुला जीवन नहीं, उस दृष्टि से हिंदी साहित्य में खुलापन ज़्यादा है। हाँ, अच्छा। और आपने अभी कहा कि आप दूसरी भाषाओं का साहित्य ज़्यादा पढ़ते हैं, या हिंदी में भी दूसरों का साहित्य इन दिनों आप ज़्यादा पढ़ते हैं, आपको आनंद मिलता है। तो आपको इसमें सबसे अच्छी किसकी रचना लगी? अब उस दृष्टि से हम नहीं देखते हैं। बाबा, आज जो कवि हैं वो मुक्त छंद में लिख रहे हैं, तो ये जो मुक्त छंद में लिखना है आज, ये आपको कैसा लग रहा है? ये लग रहा है, सवाल नहीं है उसका, है औचित्य और अनिवार्यता क्या है ये। हाँ, औचित्य ये है, औचित्य छंदों का जो अंदाज है वो भी एक अंदाज है। जैसे अभ्यास हो जाता है तो आदमी बातें भी करता रहता है और स्वेटर भी बुनता रहता है, छंदों का भी सही है। लेकिन ऐसा है कि अगर हम प्रयोग करें तो यह है कि मुक्त छंद भी, छंदों पर अधिकार होता है तो वो व्यक्ति अच्छा मुक्त छंद लिखेगा। ऐसे लिखेगा तो, इसलिए मैं बताऊँ कि कविता को स्थायित्व प्रदान करने के लिए छंदों का अंदाज बहुत आवश्यक। हाँ। भले मुक्त छंद में लिखें, हाँ। लेकिन बाद में मुक्त छंद में लिखें, उसका अंदाज चाहिए उनको। इसे माइकल मधुसूदन दत्त ने तो 50 छंद में लिखा, 16 अक्षर 14 अक्षर एक छंद, तो एक अभ्यास रहा होगा छात्रा बच्चा से नहीं। हाँ। तो हम कहते हैं तुलसीदास की शैली में लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुलसीदास ने जो कहा उसका अंदाज रखने के लिए, जिसे ये सूरदास के महाकाव्य नहीं है, गीत हैं और 10 लाइन 12 लाइन के गीत हैं, नहीं तो बहुत मार्मिक सब मिला जो महाकाव्य हो जाता है। अच्छा, इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो है जीवन की जो विधा है वैविध्यपूर्ण ढंग से वो प्रकट होती। रवीन्द्रनाथ ने ये 60 वर्ष की उम्र में ये नियम किया कि कविता नहीं लिखेंगे, तो रेखा चित्र बनाने लगे। फिर जीवन के शेष अंतिम दिनों में लंबी लंबी कुछ कविताएँ लिखी हैं। ये है कि विधा बदलनी चाहिए बीच में, अपने को ही प्रोजेक्ट में डालना पड़ता है। बाबा, आपका जीवन तो यायावर का जीवन रहा है, और उस यायावर जीवन की कोई घटना आप वो गया है? ये सब जीवन है, अब हमको भी है, अब ये सब ऐसा है। अब ये हमको लगता है ये जैसे 2-3 जगह प्रयोग हुआ है। मैंने कहा है लखनऊ में टीवी वालों ने हमें कहा, 3-4 जगह उन्होंने ये सब किया, तो हमको अच्छा लगा। वो यहाँ ये जो है, ये जो हो रहा है, एक रूम में हम आबद्ध हैं, तो हमको लगता है कि हम सीढ़ी पर से उतरते हुए दिखाई पड़े, इत्यादि इत्यादि, हम सड़क पर जाते हुए दिखाई पड़े, तो उसके लिए बहुत लंबा आयाम चाहिए, वो नहीं आया। अच्छा बाबा, आप हमारी युवा पीढ़ी को जो रचनाशील है, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? ईमानदारी और समझदारी के साथ वो सक्रिय रूप से जीवन से जुड़ें और निर्भीक हों। तो होता क्या है, उनकी ये जो युवक हमको आज दिखाई पड़ रहा है, अगर 2 साल बाद पता लगेगा कि किसी मिनिस्टर का वो ये लिपिक हो गया है, तो वो लिपिक होना कोई बड़े काम तो करेगा ही, लेकिन लिपिक होने पर भूल जाता है अपना पिता मूल धर्म जो अपना है। ये है ईमानदारी, नहीं ईमानदारी के साथ साथ सक्रियता, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। तो निर्गुण भक्ति वो सगुण भक्ति चाहिए ना, सगुण माने ये है कि हम जुड़ें, और भले ही हम देखिए होता है क्या है, अब हम इस स्थिति में हैं कि हम किसी को कुछ कह सकें, लेकिन युवक इस स्थिति में नहीं होता है, उसकी मजबूरियाँ होती। अच्छा बाबा, अब तक जो लेखन आपने किया है उससे आप पूर्ण संतुष्ट हैं या अभी भी और लिखने की लालसा है? अब लिखने की लालसा नहीं है, अब तो ये है कि हम कल्पना करो कि हम ये करें, पुराने लोग ये कहते हैं कि हम कागज कलम न छुएं और गुनगुनाएं, दूसरा कोई नोट कर दे, ये स्थिति। एक बात और पूछनी है कि अभी समाप्त तो करोगी ना? और आप हमारे महानगर के रचनाकारों को और क्या कहना चाहेंगे, क्या मार्गदर्शन देंगे? जीवन यहाँ बहुत जीवन है। महानगर क्या है? 1000-1000 गांवों का गुच्छा है, 1000-1000 100-100 गांवों का गुच्छा है ये महानगर है। 1-1 मोहल्ला है बड़े बड़े, तो वो मोहल्ले जो हैं वो आसपास के 100 गांवों के जुड़े हुए। बड़ा बाजार अपने आप में हिंदी क्षेत्र की, हिंदी भाषा भाषी प्रदेशों के जितने रूप हैं वो खाना पीना जो है सब बड़ा बाजार में मिलता है। जो गुरु जी ठंडाई वाला है, हमने देख लिया पर। बाबा, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बड़ी खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा। तो आपकी कविता की कुछ पंक्तियां हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं आपकी। आबद्ध हूँ, जी हाँ आबद्ध हूँ, स्वजन परिजन के प्यार की डोर में, प्रियजन के पलकों की कोर में, सपनीली रातों के भोर में, लाख लाख मुखड़ों के तरुण हुलास में आबद्ध हूँ, शतधा आबद्ध हूँ।